हमारे चैनल पर दिखाए गए सभी चित्र कथाओं के सत्य होने का दावा हमारा चैनल नहीं करता, ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, समुदाय या स्थान की भावना को ठेस पहुंचाना है। सभी घटनाएं और कहानियां ग्रांथिक और श्रुतियां हैं, इन पर विश्वास करना या न करना आपके ऊपर है। यदि हमारे चलचित्रों द्वारा किसी के विश्वास को हानि या ठेस पहुंचती हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक ऐसा धाम जहां जीवन और मृत्यु दोनों की झलक सम्मिलित है, यह धर्म स्थल चार में से एक उत्तर वाहिनी गंगा तट के उत्तरी छोर पर स्थित है, जिस वजह से इसे बिहार का काशी कहा जाता है। यह प्राचीन धर्म स्थल विख्यात है उमानाथ शिव मंदिर के नाम से। बिहार के बाढ़ शहर के इस अद्भुत उमानाथ शिव मंदिर में श्रद्धालु इसी उत्तर वाहिनी गंगा के जल से जलाभिषेक करके मन्नतें मांगते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में महादेव का अंकुरित स्वरूप विद्यमान है। आस्था है कि सोमवारी के दिन उत्तरायण गंगा के जल से अभिषेक करने पर उमानाथ महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विघ्न बाधाओं से मुक्ति और शादी विवाह के प्रायोजन से मनोकामनाएं रखने के लिए यहाँ कई जिलों से श्रद्धालु आते रहते हैं। माना जाता है कि पूरे देश में भागीरथी गंगा केवल चार स्थलों पर उत्तर वाहिनी बहती हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा धाम सहित अन्य शिवालयों के लिए प्रस्थान भी करती हैं। उमानाथ मंदिर हजारों वर्ष पुराने इतिहास का साक्षी है। वैसे तो मंदिर की स्थापना को लेकर साक्ष्य कम और श्रुतियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। ऐसे ही एक किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या से जनकपुर के लिए यात्रा कर रहे थे, तब इसी उत्तर वाहिनी गंगा के सुरम्य तट पर रुककर श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की थी और तब से ही यहाँ मंदिर की स्थापना हो गई। और एक दूसरी किंवदंती के मुताबिक सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर में विराजमान शिवलिंग को उखाड़ कर उसे मंदिर के मध्य स्थापित करने का निर्णय हुआ। शिवलिंग के किनारे खुदाई शुरू हुई ताकि शिवलिंग को निकालकर दूसरे जगह स्थापित किया जा सके। खुदाई गहरी होती गई और शिवलिंग का धरती के अंदर आकार बढ़ता गया। 50 फीट से अधिक की खुदाई हुई मगर शिवलिंग का अंतिम छोर पता ही नहीं चल सका। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि तब खुदाई में लगे लोगों के स्वप्न में आकर भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि वे आदि उमानाथ हैं। उसके बाद लोगों ने खुदाई बंद कर दी। इसी कारण महादेव के इस स्वरूप को अंकुरित महादेव भी कहा जाता है। कुछ बताइए। हाँ, ये मंदिर जो है बाबा उमानाथ जी का है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो आदि ज्योतिर्लिंग है, त्रेता युग से पहले के ज्योतिर्लिंग है। कहिए कैसे, मैं बताता हूँ। त्रेता युग में भगवान राम बक्सर में तारकासुर को वध किए थे, तो जब तारकासुर को वध कैला के बाद इसी रास्ते से लौट रहे थे अपने नगरी, तो यही बाबा उमानाथ जी के पूजा करके आगे उबड़े हैं, इसका प्रमाण है यहाँ। जी हाँ, इसका तुलसीदास जी भी यहाँ आए, तुलसीदास जी भी आए, वो भी रामायण में इनका वर्णन कर दिया, नयावत उमानाथ पादा रविंदम। हाँ, यहाँ दो कोस का उत्तरवाहिनी गंगा, उत्तरवाहिनी गंगा दो कोस का कहीं है नहीं बनारस नहीं जहांगरा। यहाँ मन्नत मांग जिसको बेटा नहीं होता है, जो हीन है, जो बीमारी से परेशान है, बाबा को दिल से पुकार करके एक लोटा जल चढ़ाता है, उसका कल्याण हो जाता है। मंदिर खुलने का समय यह सवेरे 4 बजे, शाम में 2 बजे बंद हो जाते हैं, फिर 3 बजे खुलते हैं मंदिर सफाई के लिए, फिर वो बंद हो करके फिर 6 बजे खुल जाते हैं, और फिर आरती पूजा पाठ होकर 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। 9 बजे पट बंद हो जाते हैं मंदिर में आरती का समय। शाम में 8 बजे है और सुबह में 4 बजे भोर में। यहाँ जिंदा मुर्दा दोनों है, जो जन्मता है वहाँ यहाँ मुंडन करने आता है, वही जब अंतिम में आयु भोग करके जो मरता है उसको चिता स्थान यही है। यहाँ जागता आसमशान है, यहाँ स्वयं सती हुए हैं, ऐसा सती आज तक धरती पर कहीं नहीं हुए। सती का वर्णन यह है, यहाँ बगल में उनका बेरहना गांव है, कुलथी उनका नहिरा है, बेरहना उनका ससुराल है, और जब उनका पति मर गए तो माँ से कहे कि हे माता मेरा पति तो मर गए,
तो कहन की क्या अभद्र बात बोलती हो, कहन हाँ माता। इतने में थोड़ा देर में उनको खबर आ गया कि आपका पति मर गए हैं। ये जो है उनका पत्नी जो सती माता थे, इसोलहो श्रृंगार किए और चल दिए अपना ससुराल, अपना पति के यहाँ। पति के यहाँ गए तो पति के गोद में लिया और चलते रहे, कहन कि हम सती हो गए। तो पहले अंग्रेज का टाइम था, सती होने के लिए देता नहीं था। इस सती माता को जेल में बंद कर दिया गया, पकड़ करके तो जेल में बंद कर दिया गया। फिर थोड़ा दूर चलते हैं तो फिर देखते हैं कि साथे जा रहे हैं पीछे पीछे लाश के। फिर इनको बंद कर दिया गया। फिर थोड़ा दूर के बाद देखते हैं फिर उनके साथ हैं। अंत में आ करके रोकते रोकते मतलब अंग्रेज बहुत रोका, लेकिन रोके ने अपना पति को लिए गंगा में कूद गए। भरल दरिया था भादो महीना, जिधर जाते थे उधर इनको ठेवने भर पानी लगता था। सती होना चाहते थे यही उमानाथ जी में, लेकिन उनका पति हाथ से छूट गया। तो उसी जगह पर मिले जहाँ भी श्मशान घाट है, उसी जगह पर मिले अपना पति को लिए गोद में रखे। और गीता पढ़ते पढ़ते अग्नि प्रज्वलित हुई आ वो जल के भस्म। यहाँ जो सिद्ध पीठ रहते थे गंगा माता से, हम लोग का पूर्वज गंगा माता से छप्पनों प्रकार के भोजन निकालते थे, संत लोगों का सेवा करते थे। अब यहाँ जो अमृत देव स्वामी है गंगे किनार में, वो आकाश मार्ग से चलते थे, एक जल जल मार्ग में पैदल चलते थे। ऐसा ही सख्त कहानी है, कोई छिपे रुस्तम नहीं है। यहाँ तो जागता मसान है, मसान बहुत पवित्र जगह होते हैं, पूरे धरती में सबसे पवित्र जगह है तो मसान। मसान से पवित्र जगह कोई है ही नहीं है इसे मृत्यु लोक। तू ही श्मशान विहार ही तांडव लाश नीति, असानो श्मशान में ही तो भगवान शिव का वास है माता का।